हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब लोगों की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 45, यहाँ पे आपका लिखा नहीं हुआ पर आपकी 49 वर्कशीट है, ठीक है। इसके अंदर आपकी क्लास 10th की आपकी वर्कशीट है विज्ञान की, ठीक है। इसमें हम आज पूरा डिटेल करेंगे, इसे मैं आपको पूरा ये एक्सप्लेन करूँगा और फिर इसके आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा, क्वेश्चन आंसर जो इसके दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपकी 29 अक्टूबर की वर्कशीट है विज्ञान की क्लास 10th की, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने अध्यापक का नाम लिखना है और फिर आपको ये सबमिट करके आनी है, ठीक है। इसमें जो दिया गया है ये आपका बायोलॉजी का, ठीक है, ये पहला चैप्टर है, मतलब पहला आपका एक तरीके से बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें दिया हुआ अनुवंशिकता एंड जैव विकास, इसका मतलब होता है, अनुवंशिकता का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो रिलेट करती है आपके एंसेस्टर से, ठीक है। वो एंसेस्टर कुछ भी हो सकते हैं, आपके जीन से रिलेटेड जो चीज़ करती हैं, जो पुराने आपके जीन्स रहे हैं या फिर बदलते आए। और जैव विकास का मतलब होता है कि आपके मतलब विकास होना, आपके जैसे जीवन है, ठीक है, जीवन में एक होता है कि दूसरे टाइप का विकास होना, एक होता है जो आपके इंटरनली विकास होता है, ठीक है। जैसे विकास का एक एग्जांपल लें हम लोग कि हमारे पहले क्या थे, कान वगैरह बड़े होते थे, ठीक है, तो उनका यूज़ नहीं था, ठीक है, तो वो कम हो गए, तो वो एक तरीके से जैव विकास में आता है। जिस चीज़ का हम यूज़ नहीं होता वो विलुप्त हो जाते हैं या फिर हमें नहीं देखने को मिलते, उन्हें हम जैव विकास कहते हैं, ठीक है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो शिफ्ट हो जाए उसे हम जैव विकास कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे अनुवंशिकता की। इसमें क्या है, विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति वंशज होना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका कोई भी जनरेशन टू अदर जनरेशन, आप याद कर सकते हो, जैसे आप हो, ठीक है, आपके दादाजी रहे होंगे, उनसे अगर आपके फादर के अंदर फिर आपके अंदर कोई भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, क्या लक्षण ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो भी लक्षण है वो आपके दादा के आपके फादर के अंदर गए, आपके फादर के आपके अंदर आए, आपके बच्चों के अंदर जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं अनुवंशिकता, ठीक है। अब देखते हैं विभिन्नता क्या होता है। विभिन्नता का मतलब होता है एक ही स्पीसीज़, ठीक है, एक ही स्पीसीज़, मतलब मान लो मैंने दो स्पीसीज़ बना दी, ठीक है, प्राणी बना दिए दो, ठीक है, एक ही स्पीसीज़ में प्राणियों के लक्षण के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है, ठीक है। दो प्राणी बना दिए यहाँ पे, ठीक है, इनके अलग अलग ही लक्षण, ठीक है, स्पीसीज उनकी सेम है, प्राणी दो हैं, इनके बीच जो अंतर होगा उनको हम विभिन्नता कहेंगे, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे आपका दिया हुआ है इसमें कि इन्होंने कहा है, यहाँ पे लिखा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, वो होती हैं जिसमें बहुत सारी कोशिका मिलकर बनी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा प्रोकैरियोट कोशिका जो थी वो एक ही कोशिका से मिलकर बनती थी, लेकिन ये कोशिका बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनती है, ठीक है। नामिक गुणसूत्रों में अनुवंशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। इसमें बताया गया है कि कोई भी जो आपका गुणसूत्र होता है, ठीक है, जो आपका एक तरीके से आप मान लो अनुवंशिक, उसे हम कहते हैं जेनेटिक, जैसे आप मान के चलते हो, ठीक है, वो क्या होता है कि उसके बिल्कुल नाभिक में प्रेजेंट होता है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा आपका बिल्कुल ही, यहाँ पे आपको नाभिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे सेल है, सेल से क्या है, ये आपके क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम के बारे में भी, इन्हें गुणसूत्र के धागे, जो इनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। गुणसूत्र की तरह की संरचनाएँ होती हैं जो अनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है, ठीक है। अब जब ये जो आपके गुणसूत्र के धागे हैं, इसका काम होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाना आपके गुणसूत्र को, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं, जो इसमें लिखा है जो अनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से ले जाती है, हमने कवर कर लिया। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, क्रोमोसोम और आपके प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। अब आपका ये रहा डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या है, जीन की कोडिंग है, ठीक है। तो ये किससे बने हुए हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं, ये पूरे के पूरे जो आपके क्रोमोसोम है, ठीक है। वे कोशिका विभाजन, अनुवंशिकता, विभिन्नता और पुनर्जन्मन महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होता है कि आपका क्रोमोसोम और जो डीएनए का काम है वो किस में काम करता है, आपका कोशिका विभाजन में, ठीक है। आपकी जो कोशिका है वो जो टूटती है, ठीक है, तो उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा विभिन्नता,
उनको मतलब उनके बीच अंतर करता है। जैसे लक्षणों के बीच अंतर हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था, लक्षणों के बीच अंतर वैसे ही यह करता है, ठीक है। और क्या करता है, पूर्ण जन्म मतलब कोई अगर नया होने वाला है, कोई अगर किसी का जन्म होने वाला है, दोबारा कोई जन्म लेने वाला, तो उसमें उसमें वो हेल्प करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा है उसका ही जन्म हो रहा है, नहीं। जैसे आप हो, आपके बच्चे होंगे, ठीक है, तो उसमें वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपके जो लक्षण हैं वो उसमें भेजे जाएंगे, ठीक है। तो डीएनए, और डीएनए की इसमें फुल फॉर्म बताई हुई है, डीएनए में पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये आप सब लोगों को पता होगा, मनुष्य में वंशागत सामग्री है, ठीक है। ये एक एक तरीके की ये आपकी वंशागत सामग्री मानी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा ही आप डिफाइन करते हो कि आपके अंदर कौन सी गुण है, ठीक है। एक तरीके से जो हमने ऊपर बताया लक्षण, ठीक है, वो इसके बेस पे ही होता है। सभी अन्य जीव में एक ही व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में समान डीएनए होता है, ठीक है। एक चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छा लाइन है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आपके अंदर इतनी सारी कोशिकाएं हैं तो हर कोशिका के अंदर अलग आपका डीएनए होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंसान हो तो आपके अंदर हर पार्ट के अंदर, चाहे वो पैर हो, हाथ हो, मुंह हो, आपके ब्लड्स के अंदर जितनी भी सेल्स हैं सबका डीएनए एकदम सेम है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अधिकांश, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कहा गया है अधिकांश डीएनए कोशिका नाभिक, जहां इसे परमाणु डीएनए भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या कहा गया है कि जो आपका जो नाभिक होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है सेल का, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक वो होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसके बारे में भी बोलेंगे। लेकिन उन्हें कहा गया है, उसको हम एक तरीके का परमाणु डीएनए भी कहा जाता है। परमाणु मतलब न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर डीएनए भी कहा जाता है, न्यूक्लियर से आप समझ जाओगे, ठीक है। और हम नीचे चलते हैं तो इसमें और दिया हुआ है कि ये रहा, आगे वही बात कही होगी इन्होंने, में स्थित है, लेकिन डीएनए में थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा होगा, सेल की स्ट्रक्चर जब आपने पढ़ी होगी उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उसके अंदर भी थोड़ा पार्ट पाया जाता है डीएनए का, ठीक है। लक्षण एक जीव है, लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है, ठीक है। लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, ठीक है। लक्षण जो है वो आपका एनवायरनमेंट के थ्रू निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। अगर हमें इंट्रैक्शन करना हो तो वो उसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ आपके डिफाइन दिए हुए हैं दो बगल में, इन्हें हम देखते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको, ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जीन। जीन अनुवंशिकता एक बुनियादी इकाई, कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। जीन क्या है, आपका एक बुनियाद और कार्यात्मक इकाई है, जो मतलब आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ की एक इकाई होती है। हमने क्या पढ़ा कि हमारी इकाई क्या है, जो हम जिंदा हैं तो हमारी इकाई क्या है, हमारी इकाई कोशिका है। तो ऐसे ही जो जीन क्या है, जीन किसकी अनुवंशिकता की बुनियाद और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीएनए संरचनाएं बनाते हैं, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। जीन जो संरचनाएं ऊपर पढ़ी थी वो इसमें यही था, ठीक है। मनुष्य की प्रत्येक जीन की दो प्रतियां होती हैं, कोई भी मनुष्य है उसके जीन की दो प्रतियां मतलब दो कॉपी होती हैं, जिन्हें हम एलील के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई जीन है, ठीक है, जीन को अगर दो जीन आप देखोगे एक साथ में, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम एलील कहेंगे, ठीक है। ये बात आप याद रखना, प्रत्येक माता पिता से एक, ठीक है, प्रत्येक माता पिता से एक के एलील विभिन्नता एवं विशिष्ट के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें क्या कहा है कि प्रत्येक माता पिता से, ठीक है, एक जीन के एलील विभिन्नता एंड विशिष्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जो वेरिएशन होता है एक पर्टिकुलर जीन का, उसे हम एलील कहते हैं, और वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वेरिएशन के लिए, ठीक है, विभिन्नता के लिए वो जिम्मेदार होता है एक तरीके से, यूँ कहेंगे, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं आगे इसमें क्या है। इसमें दिया गया है जनन के दौरान विभिन्नता, ठीक है, जनन आप समझते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके दौरान कह रहे हैं कि विभिन्नता का संचय, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वो दिया हुआ, मैं आपको आसान करके पढ़ा दूंगा, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है।
इसमें दिया हुआ है, इसमें पहले एक बार मैं रीड कर देता हूँ फिर आपको ये पूरा समझा दूंगा मैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि ठीक है ये इतना है, ठीक है। इसमें दिया है पूर्वत पीढ़ी से वंशागिन संस्कृति को एक अधिकार शारीरिक अभिकलम डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएँ प्राप्त होती हैं। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएँ एवं कुछ नई विभिन्नताएँ उत्पन्न होगी। चित्र एक में उस स्थिति को दर्शाया गया है, ठीक है। मैं बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो आपका चित्र देख रहे होगे ये आपकी एक पीढ़ी है, ठीक है। इससे क्या बनी, दो पीढ़ी बनी, ठीक है। फिर दो एक से एक ने दो पीढ़ी बनाई, इसने दो बनाई, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि क्या होते हैं, कुछ विभिन्नताएं होती हैं कि दूसरी पीढ़ी में पहली से आ रही विभिन्नताएं एक कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, ठीक है। लेकिन क्या बताया गया है, जबकि केवल एकल जीव जनन करता है जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है, ठीक है। यदि जीवाणु विभाजित होता है तो परिमावगत दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इन्होंने कहा है कि अब जो रिप्रोडक्शन आपका होता है, रिप्रोडक्शन मतलब जनन जो होता है आपका, अगर कोई एक सिंगल है, ठीक है, अगर वो आपका खुद में ही एक जनन हो रहा है, ठीक है, खुद में ही जो जनन हो रहा है उसमें क्या होगा कि उसमें दो बन सकते हैं, ठीक है। अकेले से आपके दो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, फिर दो दो होंगे तो एक फिर दो करेगा, ठीक है। इसके बाद भी यहाँ से आपके दो जनन हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या होगा जब, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए दिया गया है जब आपका जनन विभिन्नता के दौरान होगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे दिया गया है कि जो भी आपका रिप्रोड्यूस है एज हैपन इन जनन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ दी है कि बहुत अच्छी, यहाँ पे आपको दिया होगा कि ये रहा, जैसा कि अलैंगिक जन्म में होता है, ठीक है। मेन वर्ड आपका यही है यहाँ पे कि असेक्सुअल जो आपका रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन जो है उसमें क्या हो रहा है कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक कोई भी आपका इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, जीव है, ठीक है, वो अपना दूसरा जीव बना सकता है दो, ठीक है, दो कितने भी बना सकता है, लेकिन उसे किसी की ज़रूरत नहीं है दूसरे जीव की, वो अकेले ही अपना एक उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि जिसमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होती हैं, इनमें समानताएं आपको बहुत मिलेगी, ठीक है। अब आप देखोगे कि आप हो, ठीक है, आप अपने फादर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो ना, बहुत डिफरेंस है ना उनमें। हाँ ये अलग है कि हल्की से फेस मिलता होगा, थोड़ा बहुत होगा सेम, पर ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही सेम हो, लेकिन इनमें ऐसा होता है जो अलैंगिक जनन की बात चल रही है कि इनमें बिल्कुल सेम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जो पुनः विभाजित होकर चार वेष्टी जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है बहुत ज़्यादा समानताएं होगी, जैसे मैंने अभी बताया था बिल्कुल आपको, उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो डीएनए प्रकृति के समय न्यू चुटियों के कारण उत्पन्न होता है, परंतु यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधता अपेक्ष और अधिक होती है, ठीक है। अब अलैंगिक की बात की थी, लेकिन लैंगिक होगा तो आपको सेम देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही हल्का सा ही कुछ परसेंट ही आपको, क्या किसी स्पीशीज में इन सभी विविधताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है, निश्चित रूप से नहीं, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि जितने भी स्पीशीज हैं, ठीक है, उसमें क्या जो सर्वाइविंग चांस हैं इन्वायरमेंट के अंदर वो एक समान है, तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो वेरिएशन होता है, जो भी आपका यहाँ पे दिया गया निश्चित रूप से नहीं, आधार के विभिन्न जीवों के विभिन्न लाभ हो सकते हैं। अभी एक सेकंड में थोड़ा नीचे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि विविधता के आधार पर, ठीक है, विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उनता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। इन्होंने ये बताया इसमें कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया समझते होंगे विभिन्न जीवों
ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी सहन करने की इतनी संभावना उनमें अधिक, गर्मी संभावना अधिक होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सरवाइव कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि जो आपके ठीक है, वो जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसके हिसाब से वो अपने आप को वो कर लेते हैं रहने की उपस्थिति, और अपने आप से वो मतलब कुछ तो अगर जो होते हैं मतलब सर्वाइव करने लायक, वो सर्वाइव कर जाते हैं, बाकी जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपने अगर यहाँ तक आ गए हो तो आप देख रहे होगे, आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा चैनल है, ठीक है, तो इस पे आपको सब्सक्राइब कर लेना है, आपका रेड कलर का बटन आ रहा होगा, ठीक है, वीडियो के नीचे अगर आप फ़ोन में देख रहे हो तो रेड कलर का बटन आ रहा है, उस पर सब्सक्राइब दबा देना, और चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे मैं जो भी नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इससे आपको हेल्प होगी जो भी मैं लेटेस्ट वो डालूंगा। तो क्लास 10th रिलेटेड बोर्ड के एग्ज़ाम के रिलेटेड मैं वीडियो डालने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको हेल्प रहेगा। तो मैं अब इसके क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ, आप सब लोग देख लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, अनुवंशिकता की परिभाषा लिखनी है आपको। तो अनुवंशिकता की परिभाषा में आपको लिखना है कि विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक संतति वंशागित होना, ठीक है, वो हमारा अनुवंशिकता कहलाता है। दो में देखना है विभिन्नता, एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। तीसरे में देखना है क्रोमोसोम, धागे की तरह की होती है जो अनुवंशिकता जानकारी इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। लक्षण देखना है, लक्षण एक जीव एक विशिष्ट विशेषता है, लक्षण जीन्स या परिवर्तन द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। अब फिर देखना है जीन, जीन की डेफिनेशन लिखनी है, जीन अनुवंशिकता की बुनियाद और क्रियात्मक इकाई है जो DNA संरचना बनाते हैं, मनुष्य की प्रत्येक जीन की दो प्रतिक्रियाएँ होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दो दिया है, क्वेश्चन नंबर दो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें दिया हुआ है यदि यदि एक लक्षण ए एंगल प्रयोजनी समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा, इन्होंने ये पूछा है। तो इसमें क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि जो बी है उसमें 7% जीवों में पाया जाता है और ए में 10%, तो ऑब्वियस है जो ज़्यादा होगा उसमें ही पहले देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ आपको इतना लिखना है कि उत्तर दो करके लक्षण भी बी बी आएगा, यहाँ पे लक्षण बी कर लेना आप, भी की जगह, ठीक है, यहाँ पे बी लिखना है आपको, ऐसे करके मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको बी लिखना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप बी लिख लेना, लक्षण बी 60% पहले उत्पन्न हुआ होगा, ये आपका फाइनल आंसर है, फाइनल वर्कशीट कंप्लीट हो गई। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं अब क्लास 10th से बोर्ड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। मैंने सैंपल पेपर डाले हैं और मैंने ये बताया बच्चों को कि आप 90% कैसे स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, 5 मंथ बाकी हैं, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, तो आपको तैयारी अच्छी करनी है। तो 90% से अगर आपको ऊपर लानी है 10th क्लास में, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, स्टे हेल्दी।